हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तीखा जायका। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारी नवरात्रि स्पेशल सीरीज चल रही है, तो हम आपके लिए कल भी लेकर आए थे साबूदाने की खिचड़ी। अगर आपने वो रेसिपी अगर आपने नहीं देखी है तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा, तो उसे आप ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोटू के आटे की फ्लोरियाँ, तो ये भी हमारी नवरात्रि स्पेशल रेसिपी है। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड, ये जो वीडियो है इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, आइए। फ्रेंड्स, हमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए कोटू के आटे की फ्लोरी बनाने के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें चाहिए कोटू का आटा, ये मैंने 250 ग्राम ले लिया है। ये हमारे कुछ उबले हुए आलू हैं और ये है हमारे पास धनिया पत्ती, ये मैंने बारीक काट ली है। ये है दही और ये है पुदीना के पत्ते और ये है मेरे पास बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये मैंने 3 ले ली है। और ये है नमक, ये आपका सेंधा नमक है जो हम व्रत में खाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोटू के आटे की फ्लोरी कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आलू ले लिए हैं, ये थोड़े मैंने मैश कर दिए। आप हाथों से जैसे मैंने मैश कर रही हूँ वैसे आप इसको हाथों से मैश कर लीजिए। तो देखिए, मैं हाथों से मैंने इसको मैश कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च, धनिया, सॉल्ट, सेंधा नमक, ये मेरा स्वाद अनुसार रहेगा, और हमारा कोटू का आटा। फ्रेंड्स, ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा इसमें आपको कितना चाहिए, आप उस अकॉर्डिंग में डाल लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा इस साथ में। अब हम सबको मिलाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें पानी हम अभी नहीं डालेंगे, हमको जब ज़रूरत लगेगी हम उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी डालेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि पानी इसमें डालना है तो थोड़ा सा डालिएगा, ज़रा सा नहीं, मैं ज़रा सा ही इसमें पानी डाल रही हूँ, बस इतना ही, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, नहीं तो आपका जो ये फ्लोरी का जो बैटर है वो आपका गीला हो जाएगा। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है, कोटू के आटे की फ्लोरी बना चुकी है, आप देख सकते हैं हमारी बुढ़िया। और फ्रेंड्स, अगर आपको जो भी शेप अगर इसमें चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसे फ्राई करते हैं। हमारा तेल अब गर्म हो चुका है, तो अब हम अपनी फ्लोरियों को तलना स्टार्ट करेंगे। मैं एक डाल के दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, इसको आप थोड़ा चलाते भी रहिए, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ्लोरियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, देखिए हमारी गोल्डन कलर की हो चुकी हैं क्योंकि अच्छे से बन चुकी हैं। अब मैं इसको उतार लूँगी, एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ इनको। ये देखिए, हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, हमारी कोटू के आटे की फ्लोरियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब हम बनाएंगे इसके साथ सर्व करने के लिए इसकी चटनी, तो आइए इसका प्रोसेस भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसके लिए चटनी बना लेते हैं। आइए, इसमें हम क्या क्या डालेंगे आपको बता देते हैं। ये मैंने पुदीना की पत्ती डाल दी है, 3 इसमें मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, दो चम्मच में
दही इसमें डाल रही हूँ। और ये है सेंधा नमक, तो मैं इसको भी इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी और इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए हमारी चटनी बिल्कुल पिस चुकी है। आइए अब इसको हम सर्व करते हैं। तो फ्रेंड मैं इसमें एक कप दही ले रही हूँ, आप इसमें हंकर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये सिंपल वाली दही ले रही हूँ, तो मैं थोड़ा चलाऊँगी और मैंने जो ये चटनी बनाई है वो मैं इसमें डाल दूँगी। आप इसे अच्छे से चला लीजिए। अब हम इसको करेंगे सर्व। आटे की फ्लोरिया बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कैसी बनी है। तो आइए अब हम इसे टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये हमारी कोटू की आटे की फ्लोरी बहुत अच्छी बनी है। व्रत के हिसाब से काफी अच्छी है, लेकिन अगर आप टेस्ट करेंगे अगर और अकॉर्डिंग तो ये इतनी ज़्यादा आपको टेस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें हमने गरम मसाला वगैरह यूज़ नहीं किया है। अगर आप इसमें गरम मसाला यूज़ करेंगे और किचन किंग मसाला यूज़ करेंगे तो इसमें ये और लाजवाब बन जाएगी। तो प्लीज़ आप इसे अपने व्रत में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड आप वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। और एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।